गैस लिया, सेम रिएक्टेंट है भाई, प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं इस बार। H2O गैस बनाया, उसका डेलेच पहले हम एकदम सिंपल जीरो लेवल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, फिर लॉजिकली सोच ले। जैसे यहाँ पे लॉजिकली क्या सोचे थे कि ग्रेफाइट मोर स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी खा जाएगा, इसको तोड़ना है ना भाई, चलाना है इसको, तो एनर्जी ज्यादा खा जाएगा तो कम निकल पाएगा ना उधर, तो एक्स कम हो गया था भाई, ज्यादा हो गया था। अब ये नहीं क्या हर जगह यही लगा रहे लोगों, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चीजें आएंगी। तो अगर देखो इसमें क्या, मैं बेटा इसको मैंने बोला फर्स्ट, उसको मैंने बोला सेकेंड, रिवर्स टू रिवर्स सेकेंड एंड एड विथ, ठीक है बेटा, ऐसा हम कर दे रहे हैं और देखेंगे बाद में क्या होता है भाई। देखो हमेशा ये सोच के नहीं बेटा काम करना होता कि मतलब कि आगे क्या होगा, मतलब हमेशा ये नहीं कर दो, फिर कभी कभी बाद में सोचते हैं चलो कर दिया, हो सकता अच्छा ही हो गया हो। अब ये पहला वाला है बेटा, थोड़ा पढ़ा लें इसको, वैसे लिख दो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, दिस गिव्स H2O लिक्विड द, हाँ सॉरी, इसको उल्टा करो, H2O गैस गिव्स H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और इसका डेलेज क्या हो गया, नो नीड, इसका बेटा डेलेज क्या हो गया, उल्टा कर दिया ना इसको, प्लस वन हो गया, जोड़ दिया जाए दोनों को यहां से, बिल्कुल अच्छा, रिएक्शन को हम ऐड करते तो डेलेज भी ऐड हो जाता है। H2O गैस से H2O लिक्विड भाई, और इसका डेल एच अब देखते हैं वाई माइनस एक्स आया। वेट, अब सोचो जरा सा, अब हमें इसकी बात करनी है, पता है ये जो चीज़ यहाँ पर, अब ध्यान देना जरा सा, कभी कभी हम कुछ और कॉन्सेप्ट से भी काम कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, पानी आपके पास है घर में, सबके घर में होता है, टंकी है ना, चाय बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, चाय बनाना, तो लिक्विड है टंकी लगाएगा भैया, टंकी आपके घर में, आपने क्या किया, वाटर लिया, चाय बनाना है भाई, उसको रख दिया गैस के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर सॉरी, तो आप उस लिक्विड को हीट करते हो तो गैस बनता है, कौन सा प्रोसेस, एक जो है एंडो, यानी जब आप लिक्विड से गैस जा रहे हो तो एनर्जी वो ले रहा है ना, एंडो है, तो जब लिक्विड से गैस जा रहे हो तो लिक्विड को हीट करो तभी तो गैस में जा रहा है, मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है, ले रहा है एंडो, तो गैस से लिक्विड एक्जो, गैस से लिक्विड, और अगर एक्जो तो डेलेज लेस देन जीरो, नेगेटिव, ये डेलेज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि वाई माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, सो वाई इज लेस देन, यस, सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वेरी गुड नवनीत, इस बार क्लैपिंग हो जाए सच में भाई नवनीत के लिए। सकते थे पता है, अगर आप क्या करते, इस सेकेंड को होल्ड कर देते और फर्स्ट को रिवर्स कर देते तो x माइनस वाई हो जाता, सुनना ऐसे सुन लो, x माइनस वाई हो जाता, लेकिन आपको क्या मिलता, लिक्विड से गैस मिलता, लिक्विड से गैस क्या होता है एंडो, डेलेज ग्रेटर देन जीरो हो जाता, तो x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाता, x ग्रेटर देन वाई हो जाता, अरे तो जो माने वो करो ना, आंसर थोड़ी चेंज होने वाला है। तो इस टाइप के कंबस्टन के रिएक्शंस में जब इस टाइप की चीजें आए तो आप एक को रोक के दूसरे को क्या कर दो, उल्टा कर दो, उसका चेक कर लो, या तो स्टेबिलिटी का फॉर्म आएगा या फिर आपको, अब बताओ मान लो हमारे पास सॉलिड से लिक्विड जा रहे होते हैं, कहाँ पे जा रहे होते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे जल्दी से, ऐसे ऐसे ओरल बताओ, हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, बताओ एक जो एंडो, सॉलिड से लिक्विड, आइस है भाई, आइस को अगर आप ऐसे रख दो तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फिर लिक्विड में जाता है, सॉलिड से लिक्विड ऑलवेज एंडो, लिक्विड से गैस एंडो, सॉलिड से गैस एंडो, इनके उल्टे, हाँ पतली टाइप है, आप पानी को रखना चाहे तो किसी बर्तन में रखा आपने और उसको हीट करना शुरू किया तो हाँ, तो आपने हीट दिया ना उसको, तो लिक्विड गैस में जा रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, इसलिए वो एंडोथर्मिक हो गया। क्या पूछना चाह रहे थे उसे, यही क्लियर है बात, सॉल्यूशन बना लिया सबने, ओके अभी रुको, अभी टाइम नहीं हुआ है।
अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बेटा रुको, एक दो एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको। हरा दो इसको। एक छोटा सा चीज मैंने मेडिकल आपको दूसरे वाले बेंच बताया था, आपको नहीं बताया था, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि वो हमें काफ़ी काम में आएगा आगे। मैंने आप एक चीज़ डिस्कस किया था बेटा, अगर आपको याद होगा कि जो बैक बॉन्डिंग होता है, क्या होता है बैक बॉन्डिंग, इसको हम बीबी बोलते हैं। इसके लिए जो पहला कंडीशन होता है, ध्यान रखो, टू एटम्स मस्ट हैव सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड कंडीशन सुनो, वन एटम सिग्मा बॉन्डेड ना, टू एटम मस्ट बी सिग्मा बॉन्डेड। टू एटम्स हैं, उसमें से वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, एंड अदर मस्ट हैव वैकेंट पी और डी, इसको हम एक डब्बा बोलते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए, बता रहे ए होना चाहिए और बी होना चाहिए, उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। बेटा मैंने वैकेंट बोला ना, तो अगर वैकेंट है तो जहाँ पर, अगर आपका वैकेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज भी अगर है तो उसका मतलब ही क्या होता है वैकेंट भी, वो वैकेंट क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से एक के पास क्या होना चाहिए बताओ, लोन पेयर, या फिर इसके पास, या फिर पी, या फिर वैकेंट। बस इन शॉर्ट दिस इज बैक बॉन्डिंग, इन शॉर्ट दिस इज, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इन सबको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बीबी। क्या बोलते हैं इसको, जितनी ज्यादा बीबी होगी, सॉरी जितनी ज्यादा बीबी होगी, गलत मत समझना, जितनी ज्यादा बीबी होगी स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब अच्छा तीन चार शादियाँ और कर लेते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके चलो, मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली, वो जरा देखो जरा साहब, बस उतना देख लो जरा साहब, ठीक है। मान लो पहला एग्जांपल हमारे पास है, ये सी एच टू प्लस है और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है बी, ये सी एच टू प्लस है, यहाँ पर बेटा फ्लोरीन के बाद क्या था, क्लोरीन सी, यहाँ पर सी एच टू प्लस है और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर सी एच टू प्लस है और यहाँ पर आयोडीन लगा, ओके जहां पे प्लस है क्या हम उसको डब्बा लिख सकते हैं? अच्छा ये प्लस कार्बन के पास है ना बेटा, प्लस किसके पास है, इसका मतलब कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल है और कार्बन पी ब्लॉक में आता है, तो वैकेंट पी है इसके पास, तो क्या मैं इसको ऐसे बोलूं कि डब्बा है इसके पास और एक बॉन्ड है और यहाँ पे फ्लोरीन है, इस पे कौन सा चार्ज है, ये कौन सा है बताओ, और कार्बन टू पी में आता है, खाली है ना ये, इसके पास यहाँ पर बेटा क्या है, ऐसे फिर देखो ये डब्बा है टू पी का कार्बन का, इसके पास क्लोरीन है, इसके पास ये भी डब्बा है, दो कार्बन ही तो है टू पी का, इसके पास ब्रोमीन है, क्या बेटा ये कंडीशन फॉलो हो रही, चेक कर लो आप कंडीशन। अच्छा एक चीज बताओ मुझे बेटे, ये जो लोन पेयर है ये आपको पता ना, ये लोन पेयर या जो भी होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक पी ब्लॉक का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कौन से होंगे, पी ब्लॉक के होंगे। ये जो लोन पेयर है कहां पर है, पी में या डी में है, क्यों पी में है बताओ, क्योंकि ये फ्लोरीन भी पी ब्लॉक है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक है, आयोडीन भी पी ब्लॉक है, सारे पी ब्लॉक है, तो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से पी के है। अच्छा फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड में आता है, तो ये जो है टू पी में है, इसके बाद ये थ्री पी में है और ये फोर पी में है, और उसके बाद बताओ बेटा टू पी है डब्बा है ये, और ये आयोडीन है, और ये कहाँ पर है, इसके पास लोन पेयर फाइव पी में, इतना समझ में आता है, बोलो क्लियर है, क्या ये कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है या तो, हालांकि हम लोग पहले भी इस बात को डिस्कस किए हैं, बट थोड़ा सा हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, वहाँ पे हमने देखा था, मैंने चूंकि इस बैच में बताया था, नहीं अभी रुक जाओ सारी सुना देते हैं आपको, एक छोटा सा स्टोरी बता देते हैं इससे कि आप थोड़ा आगे जितने भी क्वेश्चन आप ध्यान रख पाओगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी है,
ठीक है। सुनो अब रुक जाओ, पेन रखो नीचे, पेन रखो नीचे। और किसकी बात की थी मैंने लास्ट टाइम? शुभम कहाँ है? कब गया? नाली की कहानी। सुनो 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 सुनो, कहानी का नाम है नाली की कहानी। सुनो क्या हुआ, छोटी सी नाली है ये, हिमांशु को पता है, हिमांशु का टारगेट है कि हमें नाली को पार करना है। तो हमने कहा कि हम नाली के साइज तो हम बढ़ाते जाएंगे भाई। सुनना जरा सुन, हिमांशु टेंशन मत लेने बेटा, नाली तो इधर पार करना है, क्या टेंशन है, कूद जाना एकदम, मारना जंप लंबा वाला। अब ये देखो हिमांशु यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अच्छा ये छोटी सी नाली है, मारा जंप पहुँच गया यहाँ पे। अरे वाह क्या बात है, खुश हिमांशु एकदम, ठीक। सुनना अब इनको क्या स्टेप बाय स्टेप बेटा, यहाँ से पूरा एकदम ये स्टेप था, मतलब पूरा स्टेप यहाँ तक ये पूरा पार करना था, तभी घर पहुँच पाएंगे ये। तो अब क्या हुआ हिमांशु भाई, अब इधर पहुँचे यहाँ आ गए। सुनना सुनना सुनना, अब साइज थोड़ा सा नाली का, हिमांशु पूरी दम लगाई, छूते हुए नाला को, तो ये थोड़े से गीले हो गए। मतलब थोड़ी सी पैंट गीली हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ हिमांशु भाई, अब थोड़ा सा मतलब आप सोचे कि यार अब तो इस बार तो हम निकल लेंगे भाई। फिर हिमांशु इधर आए और निकले और झप, और अभी तो पैंट गीली हुई थी, अब पूरे गीले हो गए। तो अगर नाली का साइज छोटा है तो तुरंत जंप मार के निकल जाएंगे, बड़ा तो हल्का सा गीले हो जाएंगे, और अगर बड़ा है तो इस कहानी से हमें मोरल, इस कहानी का स्टोरी जो है इसका मोरल पता है क्या है, कि अगर छोटी नाली है तो हम तुरंत पार कर जाएंगे, और अगर बड़ी नाली है तो झप हो जाएंगे, है ना। किसमें हम ज़्यादा स्टेबल रहेंगे? छोटी नाली में जंप करे पार कर गए, और अगर बड़ा नाला मिल गया तो घुस गए, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? नहीं घूम के नहीं जाना बेटा, वहीं से जंप मार के ही पार करना, कोई ब्रिज ब्रिज नहीं है, हम ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि हमें पार करना ही है। तो अब जरा बताओ मुझे, इन दोनों के बीच में एक तरफ तो फिक्स है, आप जरा नाली की साइज बताना, ये नाली का साइज क्या है? छोटा है। नाली का साइज, नाली का साइज, नाले का साइज, यहाँ पे झप होगा कि नहीं होगा? और तुरंत पार कहाँ से होगा? कौन इफेक्टिव बाउंडिंग है? ऊपर वाली, सटाक से बाहर। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छी जो बैक बाउंडिंग है वो कहाँ पे बनेगी? टूपी में। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? ए बी सी एंड डी। और ये छोटा सा जो स्टोरी है ना बेटा, और जो इनऑर्गेनिक का बैक बॉन्डिंग है ना, हर जगह बस यही लगा देना और कुछ नहीं, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 5 4 3 2 साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्डिंग भी क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। अब इसका यूज क्या है एक्चुअली में, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? क्लियर बोलो। अगर हम एक एग्जाम्पल बेटा और ले लें, जरा रुकना एक सेकंड रुको, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ना। हिमांशु कहानी खत्म बेटा, ठीक है ओके। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, सुनो। आपने इस बार क्या किया बेटा, रुक जाओ। अब मैंने इस बार एग्जाम्पल ये लिया, सी एच टू माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन है। सी एच टू माइनस है, यहाँ पर ब्रोमीन है। सी एच टू माइनस है, यहाँ पर आयोडीन है। अब आपको हर जगह मैं यही कहानी लगा के बैक बॉन्डिंग हमेशा क्लियर कर दूंगा, हर जगह, चाहे आप कहीं की भी बात कर लो। अब
इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आओ, बैक बॉन्डिंग का सब यहाँ से सॉल्व हो जाए, ये तो ऑर्गेनिक की है। अब बेटा बताओ इस पर माइनस है, सुनना जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इस पर माइनस है तो क्या आप इसका लोन पेयर देखोगे? क्यों लोन पेयर नहीं देखोगे? अरे भाई बॉन्डिंग के लिए अगर आप यहाँ पे लोन पेयर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास कैसे, मतलब क्या बॉन्ड, कुछ बॉन्ड थोड़ी बनेगा, माइनस माइनस के पीछे बॉन्ड बनता है क्या? तो कंडीशन क्या है कि अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के पास खाली डब्बा होना चाहिए, अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन है दूसरे के पास खाली डब्बा। अब बात है इसके पास लोन पेयर तो है बेटा, और वो लोन पेयर जो वो 3p में है, लेकिन लोन पेयर यहाँ पर यूज हो नहीं सकता। कब यूज हो सकता था? जब ये खाली होता। समझ रहा बात को बेटा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, जरा सा भी। ये खाली होता बट बेटा ये भी भरा है, ये भी भरा है, इट मीन इट्स नॉन पेयर, कैन नॉट बी यूज्ड। पर अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूं तो 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 5, जरा देखो 17 हो गया क्या। और इसका अगर आप 3d देखोगे तो उसके पास जीरो है, और इसके पास डब्बा है, इसके पास डब्बा है, इसका लोन पेयर था 3p में बट इसके पास डब्बा है, और डब्बा कहाँ पे है? 3d में है। तो इसका मतलब इसके पास 3d है, तो इसके पास भी डब्बा होगा और ये 4d, इसके पास डब्बा होगा और ये 5d। अब जरा सुनना जरा ध्यान से, तो बेटा इसके पास माइनस है, सुनना, इसके पास डब्बा है, इसके पास माइनस है। अच्छा माइनस कहाँ पे है? 2p में। क्या है जरा देखना, डब्बा है, बोलो, सॉरी इस पर माइनस है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ये 2p, और इधर क्या है? डब्बा है, और क्या है बताओ? 3d, पहला। दूसरा बताओ क्या है? 2p, माइनस है, और इधर डब्बा है बताओ? 4d, बात समझ रहे हो? सी 2p, 2p क्यों? कार्बन ही है ना बेटा, इसके पास माइनस है, और इसके पास डब्बा है, और 5d। कौन सी छोटी नाली है? कौन सी छोटी नाली है? कौन सी सबसे बड़ी है? इसमें अच्छी बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग ए में। शॉर्ट सर्किट स्टेबिलिटी ऑर्डर ABC। हाँ हाँ मैंने लिखा था थोड़ा सा, आप समझ गए, क्लियर है बात? तो ये थी नाली की कहानी, समझ रहा है ना? जितनी छोटी नाली होगी बैक बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी होगी। अभी नहीं ठीक है, आप पूछो बेटा। फिर अब फिर से वही बात है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि जब एक ग्रुप होता है तो हम उसमें साइज देखते हैं, और जब एक पीरियड होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रो निगेटिविटी देखते हैं। ये क्या है बताओ जरा मुझे? एक ग्रुप है, मत बोलो, सारी बेसिक चीज़ें हर जगह यूज होने वाली, यहीं पे नहीं पूरे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पे। इधर वाला हटा दूं? Yes, sir. इधर वाला आपको बताना है, इसमें आपको यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर लिखना है। हाँ तभी तो मैं, इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, यस यस सिंपल, जिसमें ज्यादा बॉन्डिंग होगी। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इसके पास लोन पेयर है ना, सुनो, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। अच्छा एक चीज बताओ, लोन पेयर जिस केस में जल्दी अंदर चला जाएगा, लोन पेयर जिस केस में जल्दी अंदर चला जाएगा, रेजोनेंस भी तो वही जल्दी होगा, और रेजोनेंस एनर्जी भी वही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी वही ज्यादा होगी। अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो चाहो तो आप डायरेक्ट वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, याद है कुछ कि फ्लोरोबेंजीन इज मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच, बोलो। और जैसे जैसे हम नीचे जाते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती थी, बोलो।
क्या आंसर होगा? ABCD। क्या हम इसको बैकबोन नहीं से कर सकते इस क्वेश्चन को? करें एक बार, जस्ट एक मिनट। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें, नॉन पेरेबल प्लस आना चाहिए, इसको तोड़ दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर आपने क्वेश्चन शायद नोट कर लिया होगा ना, ओरिजिनल फॉर्मेट नोट कर लेना इसका, ठीक है? हाँ, वो हम बना लेंगे। क्या यहाँ पे कार्बन है बेटा? तो ये कार्बन 2p है। अब नलिक कहानी आ गई यहाँ, ये 2p है और ये लोन पेयर भी कहाँ पर है? 2p। क्लोरीन भी सेकंड पीरियड में होता है, ये क्लोरीन। अब यहाँ पर अच्छा ये बताओ, क्या ये डब्बा है बेटा? क्या ये भी डब्बा है? क्या ये भी डब्बा है? प्लस चार्ज का मतलब वैकेंट, तो डब्बा हुआ। अच्छा डब्बा है और सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर। बैक बॉन्डिंग में 0.001% का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये 2p है और ये बेटा कितना है? 3p। अब ये 2p है और ये कितना है? 4p। ये 2p है बेटा और ये कितना है? 5p। कहाँ पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा? छोटी नाली है, आसानी से अंदर जाएगा। स्टेबिलिटी बोलो, इसमें बॉन्डिंग के चांसेस ज्यादा है ना, मोर बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा होगा? ए में। सबसे कम कहां पे होगा? डी में। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर की बात करें तो कौन सा होना चाहिए? ए बी सी एंड डी। कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो बेटा, पक्का है ना? और बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा मोर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस ना, मोर रेजोनेंस एनर्जी नाली की। तो मैं आपको एक्चुअली में दूसरे फॉर्मेट से ना जाके, मैं चूंकि ये कॉन्सेप्ट बता रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया? बीबी। यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया? बीबी। यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया? बीबी। हर जगह हमने क्या यूज किया? बीबी। अब किसकी ये नहीं पता। ओके चलो तो आज इतना ही रखते हैं। ओके।